धड़के ट्रेलर लॉन्च पर हुआ श्रीदेवी का जिक्र, जाह्नवी से लिपटकर रो पड़ी खुशी कपूर। देखें वीडियो। सोमवार का दिन जाह्नवी कपूर के लिए बहुत बड़ा और खास रहा। उनकी पहली फिल्म धड़ का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इवेंट में पापा बोनी कपूर, बहन खुशी कपूर, चाचा अनिल कपूर और भाई मोहित मारवाहा मौजूद थे। वहीं अर्जुन कपूर ने भी बहन के लिए खास संदेश भेजा। मौके पर पूरा परिवार मौजूद था, फिर भी श्रीदेवी की कमी खली। जैसे ही पत्रकारों ने जाह्नवी कपूर से श्रीदेवी को लेकर सवाल पूछा, उनकी आवाज भर आई। एक पत्रकार ने जाह्नवी से पूछा, फिल्म की शूटिंग जब राजस्थान में हो रही थी तब श्री मैम श्रीदेवी भी वहां मौजूद थीं। आप उसे किस तरह से देखती हैं? सवाल सुनते ही जाह्नवी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि वे मां को बहुत मिस कर रही हैं। वही स्टेज पर उनके बगल में खड़ी खुशी कपूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। इवेंट में मां का जिक्र उठते ही खुशी कपूर अपनी भावनाओं पर काबू ना कर सकी और बहन जाह्नवी से लिपट कर रोने लगी। फिल्म धड़के गरीब दलित लड़के और ऊंची जाति की लड़की की प्रेम कहानी है। फिल्म में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक है। फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। वहीं शशांक खेतान ने फिल्म का निर्देशन किया है। यह फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म के धड़के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर करण जौहर ने बताया कि फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कहने पर उन्होंने जाह्नवी से मुलाकात की थी। वहीं ईशान खट्टर के इंस्टाग्राम वीडियोज देखकर करण जौहर ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। फिल्म धड़क जहां जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म है, वहीं यही ईशान की दूसरी फिल्म है। इससे पहले उनकी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स आई थी, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया था।